इतने धोखेबाज इंसान, और मुझे पता नहीं था इतने धोखेबाज इंसान से मुझे प्यार कैसे हो गया। ओके गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइज कैसे हो आप सभी, आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो गाइज अभी अभी मैंने प्रिया का एक नया वीडियो देखा है जिसमें कि वो अपनी लव स्टोरी के बारे में कुछ बता रही थी। तो गाइज आप लोग भी एक बार उनका वीडियो देख लीजिए। फ्रेंड्स, चंडीगढ़ का रेलवे स्टेशन, चंडीगढ़ का PGI हॉस्पिटल, चंडीगढ़ का 16 का हॉस्पिटल, चंडीगढ़ का बस स्टैंड जो है, जो वहाँ पे रहते होंगे, मानोगे नहीं फ्रेंड्स, हर एक फेस्टिवल पड़ा था वहाँ। मैं इनके साथ, सिर्फ क्यों, मैं इनसे प्यार करती थी इसलिए हर जगह 1 महीने, 1 से 1.5 महीने तक भूखे प्यासे ऐसे भटकते रहे भटकते रहे। सोने को नहीं मिलता था वहाँ, सोने जाओ तो वहाँ से भगा देते थे, वहाँ सोने जाओ तो वहाँ से भगा देते थे। खाने के लिए एक एक वक्त की रोटी के लिए तरसते थे, कहाँ जाए, कोई काम वाम नहीं करते थे उस टाइम पे, कुछ भी नहीं। जो भी इन्होंने काम करते भी थे, मतलब ये गिफ्ट पैकिंग ही काम करते थे, तो सारे पैसे सेविंग करके रखे थे ये ख़त्म होने के बाद। जब हमारे पैसे ख़त्म हो गए तब उसी चंडीगढ़ स्टेशन से वापस गए, घर वाले नहीं माने थे। यहाँ वहाँ भटक भटक के चंडीगढ़ स्टेशन पे 10 रुपए का रोटी मिलता था, 10 रुपए का जो भी से रोटी सब्जी ऐसे चंडीगढ़ के मतलब गवर्नमेंट की तरफ से, वो खा खा के उस चंडीगढ़ स्टेशन पे मैंने इनके साथ बिताया। आप लोगों ने वीडियो देख लिया होगा। तो गाइज प्रिया का जब से मैंने ये वीडियो देखा है ना, तो सच कहूँ तो मेरी रूह कांप गई है कि कोई लड़की किसी से इतना प्यार करे और उसके बाद उसके साथ ऐसा कुछ हो, तो उसके दिल और दिमाग में क्या सिचुएशन होगी वो तो प्रिया ही जान सकती है, क्योंकि उसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। क्योंकि जैसा अभी उसके दिल और दिमाग में चल रहा होगा ना, उसे हम सोच भी नहीं सकते हैं। तो गाइज मैं, जो लोग प्यार अभी प्यार में है ना, तो मैं उन लोगों को एक बार कहूँगी कि आप लोग प्लीज़ प्रिया का ये वीडियो देख लो और फिर उसके बाद कुछ कदम उठाना है। क्योंकि गाइज क्या हो, क्या पता किसके साथ कब क्या हो जाए, कोई भरोसा थोड़ी ना है। क्योंकि हर लड़का एक जैसे नहीं होता है, कई बार कई लड़के अच्छे भी होते हैं, बट कई बार रोहन जैसे लड़के भी निकल जाते हैं। देख सकते हो आप, अभी प्रिया ने कभी ये सोचा भी नहीं होगा कि रोहन उसके साथ ऐसा कुछ करेगा, और आज रोहन उसके साथ कैसा व्यवहार कर रहा है। कोई दुश्मन होगा ना, वो भी ऐसा व्यवहार अपनी बीवी के साथ नहीं कर सकता है जैसा व्यवहार रोहन उसके साथ कर रहा है, वो भी इतने छोटे बेबी के साथ। कितना छोटा सा बेबी है उसको, उसको अपने बेबी को देख के भी दया नहीं आ रही। कैसा बाप है वो, मुझे तो सोच के भी उसका नाम से इतनी नफरत हो रही है, मैं बता नहीं सकती हूँ आप लोगों को। तो गाइज मैं, जो लोग अभी प्यार में है ना, उन लोगों को ही, उन लोगों के लिए ही मैंने ये वीडियो बनाया है कि एक बार आप लोग अपना, जो जिससे आप प्यार करते हो ना, उसको एक बार अच्छी तरह से परख लें और भाग के तो कभी भी ज़िंदगी में शादी ना करें। क्योंकि भागने के बाद लड़की की कोई इज्जत ही नहीं होती है, ना ही ससुराल में इज्जत होती है और ना ही मायके में कोई इज्जत होती है। तो जो भी लड़की भागने की सोचती है ना, वो कभी ऐसा कदम ना उठाएं। और एक बार प्रिया का वीडियो देख लो और फिर अपने भविष्य के बारे में भी सोच लो कि क्या पता कल के दिन तुम्हारे साथ कुछ ऐसा ना हो जाए। तो गाइज क्या होता है ना, लड़कियों में बहुत कम अकल होती है। मैं तो यही कहती हूँ कि लड़कियों में बहुत ही कम अकल होती है। वो लड़कियों में अकल पता कब आती है, जब वो माँ बन जाती हैं, तब उन्हें पता लगता है कि माँ बाप क्या चीज़ होती है और माँ बाप हमारे बारे में क्या सोचते हैं, माँ बाप हमसे कितना प्यार करते हैं, और जिन्हें हम सोचते हैं कि ये हमसे सबसे, दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं, वो जब माँ बनती है ना लड़की, तब पता लगता है कि माँ बाप की क्या जगह है और जो हस्बैंड होते हैं या जो हमारे बॉयफ्रेंड होते हैं उनकी क्या जगह होती है। बट जितना प्यार माँ बाप करते हैं ना, उतना प्यार लाइफ में कभी कोई नहीं कर सकता है, ये बात सच है। माँ बाप क्या होते हैं ना, वो सिर्फ आपका भला चाहते हैं, वो यही चाहते हैं कि आपको एक अच्छा घर मिले, अच्छा परिवार मिले, अच्छा पति मिले, जो कि आपके वो आगे हर खुशी दे सके। जो खुशी माँ बाप दे रहे थे ना, वही खुशी उनको आगे भी जाके मिले। इसीलिए माँ बाप ये चाहते हैं कि मेरी बेटी का घर अच्छे घर में हो, और लड़की के बारे में यही सोच के वो शायद
लव मैरिज के लिए मना करते हैं, जब उनको सही नहीं लगता है ना तभी वो मना करते हैं। तो इसलिए मैं यही कहूँगी कि जो लोग भाग के शादी करना चाहते हैं ना, वो लोग पहले अपने घर वालों को अच्छी तरह से मना लें। कई बार ऐसा होता है कि माँ बाप भी गलत होते हैं, क्योंकि कई बार माँ बाप भी बच्चों की सिचुएशन को नहीं समझ पाते हैं कि मतलब आगे जाके क्या पता बच्चों को बहुत ज़्यादा दुख झेलना पड़े, क्योंकि दिमाग में हर बार वही इंसान घूमता रहेगा। तो वो आगे की जो लाइफ है ना, दूसरे इंसान से अगर शादी करेगी तो उसके साथ भी वो खुश नहीं रह पाएगी। तो माँ बाप को भी समझना चाहिए, और अगर माँ बाप अच्छी ढंग से शादी कर लेना तो लड़कों की हिम्मत भी इतनी ज़्यादा नहीं बढ़ती है कि वो लड़की के साथ इस तरह का व्यवहार करे। क्योंकि अभी रोहन के माइंड में क्या है ना कि उसके घर वाले भी उसके साथ नहीं हैं, तो इसीलिए वो उसके ऊपर ज़्यादा बॉस बना हुआ है। और मैं यही कहूँगी कि आप लोग भाग के तो कभी कदम ना उठाएं। तो बस यही था, मैं उन्हीं लोगों के लिए वीडियो बनाया है जो प्यार में हैं और भाग के शादी करने की सोच रहे हैं। तो वो एक बार प्लीज़ मेरे इस वीडियो को देख लो और प्रिया की ये कहानी ज़रूर अपने दिमाग में बिठा लो कि क्या पता आगे जाके आप लोगों के साथ भी ये कुछ ना हो जाए। तो एक बार ज़रूर इस वीडियो को देख लीजिए। अगर आपको मेरी सोच अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप लोगों को प्रिया की जो कहानी है वो कैसी लगी। तो प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करें।